बिल्कुल, मतलब जैसे कि आपको इस साड़ी में दिख रही होगी ऐसे दिखूंगी मैं जूम, इतनी सुंदर दिखूंगी मैं भी ये साड़ियाँ पहन के। तो दोस्तों हम लोगों में बहुत प्रेम भाव है और जब तक मैंने कोई काम नहीं करता था सब मेरा वेट कर रहे थे, हम लोग आके एक साथ अब काम करेंगे पूरा, है ना। हम स्टार्ट करें यार, आप लोग भी खाया करो, घर की चीजें नहीं है ना, छोड़ के खाया करो भाई, पर खाया करो ये। आई नीड अ प्रिंसेस ट्रीटमेंट गाइस, यार मुझे तो छोड़ो, मेरी गाड़ी तक को नहीं छोड़ा भाई। अगर तुम जानते हो ये पापा की परी की गाड़ी है तो यू शुड बी अवेयर फॉर मी ना पुल। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग, हिमांशी दिस साइड केदारखंडी व्लॉग्स में आपका स्वागत है गाइस। तो मेरा नाम है हिमांशी और मैं केदारखंड की खूबसूरत सी वादियों से बिलोंग करती हूँ। बाकी मेरे गांव का नाम है सुरसल, काफी लोगों को नहीं पता है तो मैं क्लियर करा दे रही हूँ। बाकी आज मैं जा रही हूँ वापस से कॉलेज, जैसे कि आपको पता है आजकल डेली प्रैक्टिकल चल रहे हैं मेरे। बाकी मेरे आसपास आपको बहुत ग्रीनरी दिखाई दे रही होगी, तो हाँ जी आजकल फसलें पकने वाली हैं और फसल बहुत प्यारी लग रही है। ऊपर से मौसम आहा, क्योंकि बारिश आ रखी थी कल रात को और आज मौसम पूरा खुल गया है, जिसकी वजह से बादल बहुत खूबसूरत वे में लगे हुए हैं। आपको मैं दिखाती हूँ एक प्यारा ऊपर से है, दो रास्ते मतलब एक नया बना है एक पुराना है। जो नया वाला है वो अभी और अच्छे से बनेगा, वो मेरी स्कूटी है, वो भैया जी औरों की गाड़ी है। यहाँ पर सबकी गाड़ियाँ लगी हुई होती हैं जो लोग इस साइड रहते, बाकी कुछ गाड़ियाँ उस साइड लगी हुई रहती हैं। तो ये हमारे भूतनाथ देवता जाने का रोड वे है, ऊपर से हमारा पैदल का रास्ता है, ठीक है। पास में इजरू गाँव है, बाकी यहाँ पे लाइट है और उधर से जाते हैं औरिंग गाँव। औरिंग लास्ट गाँव है हमारी साइड का, वो वहाँ मम्मी लोग घास वगैरह के लिए जाते थे पहले, अभी प्रेजेंट टाइम में तो कोई भी नहीं जाता है तो उसका मुझे ज़्यादा पता नहीं है। बाकी वो पहलिंग गांव यहाँ से दिखाई देता है, मैं जूम इन करके दिखाती हूँ आपको। कुछ ही मकाने दिख रही हैं, गांव वैसे ऊपर हैं तो देख सकते हो आप, हम जाएंगे इस रास्ते से। बाकी यहाँ ऊपर पे है कालिंगा देवी का मंदिर, और जो कि अभी क्लियर तो नहीं दिख रहा है। इसके अलावा आज मैंने थोड़े से अपने बाल अलग वे में बांधे हैं, मतलब अभी चुटिया जो है वो ऊपर से ही बना दी है। ये बनाने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बट मैं ऐसे बाल कभी नहीं बनाती हूँ। आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियोस में मेरी ऐसे बाल देख रहे होंगे, जो कि मैं दो मिनट में खोलने वाली हूँ क्योंकि मेरा हेलमेट इसमें नहीं आएगा। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं कॉलेज की ओर। यार गाड़ी पे पानी डोल दिया कीचड़, और सारा टॉप पे भी गिर गया। तो कॉलेज का बोल के आ चुकी मैं गैरेज में, क्योंकि मेरी गाड़ी थोड़ा सा मतलब एक स्क्रू ढीला है जिसकी वजह से बहुत बज रही है। तो चलिए गैरेज से अपना काम करवाते हैं फटाफट, और अभी जाने मुझे कॉलेज, कॉलेज के लिए हो रहा है बहुत लेट, पर ये काम बहुत ज़रूरी है तो करा के चलते हैं। और भाई साहब हमारे लगे पड़े हैं बिजी, भैया देखनी है फिर मैंने कॉलेज जाना, मैं गाड़ी यहीं छोड़ के जा रही हूँ, तो इसके बाद आएगा गाड़ी हमारी, गाड़ी का नंबर। बहुत बिजी हैं, बाकी आप देख सकते हो ये हमारे कुछ दोस्त खाली रट्टा मना के घसीटा मना ये लो मेहमान के लिए। तो ये इसमें मेरे सिग्नेचर चढ़ेंगे, अभी सबको पता है मैम आएगी वो सिग्नेचर करेगी, बच्चा कर दूंगा मैं कराएंगे झंडा चेंज मत करो थोड़ी देर। अरे मैं हूं ना मैम, तो मैं कर लेती हूं। और बाकी यहां पे हमारा, हमें जरूरत ही नहीं यार किसी चीज की, असिस्टेंट रखे हुए हमने हर चीज के लिए 71 82 810। गजब तारीफ करिए यार, पानी और हम जा रहे पानी।
ये इसका लोगो फोबिया लोगों के सामने जा क्यों जाता है। सो हे फ्रेंड्स, अभी आपको बताइए, जैसे कि मेरी शादी बहुत ज्यादा नजदीक है और उसके लिए हम आए हैं चौहान साड़ी सेंटर पे और यहाँ से मुझे लेनी है कुछ साड़ियाँ। तो चलिए ट्राई करते हैं कुछ साड़ियाँ और कैसा रेट लगता है मुझे, क्या मतलब कैसी मुझे यहाँ की क्वालिटी लगती है कपड़ों की, कैसा मुझे रेट लगता है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगी। अगर सुनी मार्केट का मतलब जो भी आजकल आपको पता है कि शादी के दौरान काफी ज्यादा ढूंढनी पड़ती है चीजें कि ये चीज कहाँ मिलेगी, अच्छे रेट में कहाँ मिलेगी, अच्छी क्वालिटी की कहाँ मिलेगी। अब क्वालिटी रेट सारी एक जगह पे मिलना बहुत मुश्किल है और काफी ज्यादा सोच समझने के बाद मैं यहाँ पे आई हूँ। और चलिए देखते हैं कुछ साड़ी का निरीक्षण करते हैं, जो मुझे अच्छी लगेगी तो हम वो लेंगे और आपके साथ शेयर करूंगी मैंने कौन सी साड़ी ली है। ज्यादा लोग लोकेशन तो पहले भी समझ गए होंगे, तो हम आए हैं थोड़ी सी पेट पूजा करने फिर काम पूजा करने। तो मेरे बंदे आपको पता है बैटरी बैकअप कुछ खास नहीं है तो उसको लगा देती हूँ, चार्जिंग खाली ऑर्डर देने नीचे जाती हूँ, ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे थोड़ी देर बाद। मैं हूँ छू बड़े सो गाइस, इस मेरे हाथ में है इस साल की पहली मक्का जो कि मैं मतलब अभी मम्मी लेके आई थी मेरे लिए, बोली छो मे बेटी खाली वाले अभी पकाने के लिए लेके आई हूँ पंचायती चौके चूल्हे में और देखते हैं कितने लोगों में बढ़ता है ये। अभी मैं मक्का लेके ही आई हूँ और छोटे छोटे शैतान आपको बिल्कुल दिख रहे होंगे भाई, क्लियर बिल्कुल। ये देखिए चाची मुंगरी लिए छो पकौड़ होता है, मैं तो लोग दिए घोरे लिए गांड से नहीं होता, मतलब मेरे हिस्से पे तो आएगी नहीं ऐसा लग रहा है मुझे। नहीं भाई पकाने तो दे, चाची की बनती है प्यारी प्यारी रोटियां, फूली सी रोटी, बचपन में पढ़ते थे हम फूली रोटी है ना। ना ना ले, आपने पढ़ी वो वाली स्टोरी कभी? नहीं। एक फूली रोटी आपके टाइम पे नहीं भी रही होगी। ले रोटी क्या ए कर रहा तितली वाला डांस, चल साइड हो जा, बनाने दे यार पकाने देना, पकेगा फिर खाएंगे, तू ज्यादा खाना मैं कम खाऊंगी ठीक है, प्रॉमिस कर ठीक है ओके। बटरफ्लाई रुक जा, दे रही बेटा दे रही हूँ, पकड़ पहले रोटी पकड़, पहली रोटी पकड़ फिर मुंह नहीं दूँ गुस्सा है तेरे को, गुस्सा हो गया मैं तो रोटी पकड़ने। ये है इस टोकरी का ढक्कन जो कि बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है, पुराने जमाने में ऐसी टोकरियां हुआ करती थी और यू पकड़ लो देना है ना, कर लो देना अच्छा, आज लोग यूज करें इसको रोटी बनाने के लिए, भाई अमीर ही आते हैं भाई क्या करें। और ये चाची बना रही है रोटी और साथ में पका देंगे मक्का, उस पे रखा हुआ है पानी, जूना में जुलाई अगस्त में अभी पानी गरम लिए रजत दादी। और ये बटरफ्लाई डांस बहुत शर्माते हैं वो डांस करने के लिए, बटरफ्लाई कहाँ गए थे पकाने, और ये जा रही है हमारी मक्का चूल्हे में। इसको अभी पकड़ के लेके गई थी और वापस आ गया ये, चल छोड़ मम्मी को चल रोटी बना, पापा मैं छोटी से बड़ी हूँ। और
भी अपनी छोटी छोटी कलाकृति दिखाते हुए रोटियों पे बना रहे हैं गोल गोल। ये इधर दो इंच रोटी सॉस लगे ना। हमारी मक्का जल रही है, मुझे लगता है कि क्या लगता है चाची? मुंगरी पकने वाली है। क्या लगता है? मुंगरी पकने वाली है। मुंगरी पकने वाली है या जलने वाली है? पकने वाली है। लग रही है जलने वाली है। टेस्टी टेस्टी मक्का खाएंगे आज तो हम। अब मक्का है एक सी, मुंगरी सी, यो अखाड़ो लचिन 1 2 मैं भी हूँ 3 4 5 6 7 8 बहुत सारे भाई। बटरफ्लाई डांस करके दिखा दो फिर मखड़ के ले भाई। ना ये मुंगरी तो मुंगरी मां बका। हां अति मुंगरी खावा हमें मां छिवनी रे मेहना खाली बोल रहा सही मुंगरी खावा नहीं थी दिखा दो। सो गाइस फाइनली हो चुके मेरी मक्का बिल्कुल खाने के लिए रेडी और मैं इसको टेस्ट कर दी थी भाई। बहुत टेस्टी हो रही क्योंकि ये बहुत मासूम थी, अभी छोटी है तो बहुत टेस्ट आ रहा है इसमें। बाकी ऐसे चूल्हे में पका के बहुत टेस्टी होती है, जबकि इसको ना अगर प्रेशर में सीटी मरवाएंगे तो उतनी टेस्टी नहीं होती। ये वाली हो रही बहुत टेस्टी। और यार आप लोग भी खाया करो, घर की चीज़ें नहीं है ना चोरी के खाया करो भाई, पर खाया करो ये बहुत टेस्टी हो रही है और ऐसा टेस्ट ना कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक है तो जब तक सीजन है तब तक की चीज़ें अच्छी भी लगती हैं और खा लिया करो। मेरी तो पहली है, आप लोग खा भी होंगी और कमेंट करना जिन्होंने पहले ही खा लिया।